नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। कल जब ह्यूस्टन से हाउडी मोदी शो से पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो पूरा अमेरिका झूम उठा। पीएम मोदी जैसे ही मंच पर चढ़े तो चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक्स अ लॉट। भव्य स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट मानो जैसे अमेरिका में दिवाली हो गई हो। तो वहीं इस कार्यक्रम में भारत के सबसे अहम मुद्दे राम मंदिर की भी गूंज सुनाई दी। जी हां, नाजी स्टेडियम में जहां हाउडी मोदी का कार्यक्रम चल रहा था वहां ये नारे लगाए जा रहे थे। इस बात की पुष्टि वेबसाइट न्यूज इंडिया 18 ने की है, लेकिन शोरगुल में ये नारे साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, वाक्या तब का है जब 50,000 से भी ज्यादा अमेरिकी भारतीय नरेंद्र मोदी का पलके बिछा कर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोदी ने मंच पर कदम रखा तो लोगों ने मोदी मोदी के खूब नारे लगाए और ये बताया कि उन्हें पीएम मोदी से कितना प्यार है। इसी बीच वहां मौजूद लोगों को राम मंदिर भी याद आ गया। जी हां, स्टेडियम में मोदी के आते ही लोगों ने राम मंदिर के नारे लगाना शुरू कर दिया। जी हां, लोगों ने राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के जमकर नारे लगाए। लोगों ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ये नारे लगाए। उस समय मंच पर मोदी समेत अमेरिका के सीनेटर्स भी मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए दमदार भाषण दिया, जिसके लिए लोगों ने उन्हें कई बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। क्या आपको बता दें, इस रैली को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया। तो वहीं अमेरिका और भारत की तगड़ी दोस्ती पर भी मोहर लगा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान को इस बड़े मंच से लताड़ लगाई। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। आपको बता दें, भारत में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद अब सबकी नजर राम मंदिर पर टिकी है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और 18 अक्टूबर तक इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि CJI रंजन गोगोई के 19 नवंबर को रिटायर होने से पहले राम मंदिर पर फैसला हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी ने जब से इस पद को संभाला है तब से उन्होंने पूरे विश्व में फैले 2 करोड़ भारतीयों को न सिर्फ भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया है, बल्कि उन्हें भारत की संस्कृति से भी जोड़ने का प्रयास किया है, जिसकी झलक कल ह्यूस्टन में हाउडी मोदी ने देखने को मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।